पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज हिंदू स्वाभिमान सुरक्षा मंच द्वारा विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में विगत कई दिनों से महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और ऐसी घटनाओं में ममता बनर्जी सरकार के टीएमसी नेता शेख शहजाद का शामिल होना भी पाया गया। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के संबंध में हिंदू समुदाय के द्वारा और यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं उनके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया जाए, एक राष्ट्रीय स्तर का जांच आयोग बनाया जाए और वहाँ के लोगों के जो संसाधन हैं उनकी सुरक्षा की जाए। थैंक यू। हमने ज्ञापन दिया है संदेश खाली पर की गई अमानवीय राक्षसी आसुरी घटनाओं के प्रतिकार के स्वरूप सर्व हिंदू समाज सर्व समाज की ओर से, यह भारत माता माँ के नाम से विख्यात है और इस भारत माता की पवित्र भूमि में संदेश खाली जैसे स्थान पर जिहादी मानसिकता के उनके मंत्री ममता बनर्जी सरकार के मंत्री के संरक्षण में ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस प्रकार बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, इस घटना से आहत होकर के हम खाली संदेश देने एक आए हुए हैं। संदेश खाली पर एक खाली संदेश हमारा यह है कि इस हिंदुओं की खून की प्यासी ममता बनर्जी सरकार को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी बर्खास्त करें और भारत के माननीय प्रधानमंत्री इसकी अनुशंसा करें, बिल्कुल ना घबराएं, 100 करोड़ हिंदू उनके साथ है। हमने भैया गौतम और गांधी की धरती, महावीर और कृष्ण की धरती, इस धरती पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार ने वहाँ पर हमारी आदिवासी बहनों मातृशक्तियों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की मातृशक्तियों के साथ जो दुराचार अत्याचार और उनके स्मिता पर जो हत्या जो उनकी उनके साथ बलात्कार एवं दुर्जनता पूर्वक कार्य किया जा रहा है, इसकी हम सभी हिंदू स्वाभिमान सुरक्षा मंच ने आज माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन देने के उपरांत यह ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक जाएगा और हम सब मांग करते हैं कि हमारे